कभी-कभी आसमान में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कई सालों में एक बार दिखाई देती हैं। इनमें से एक घटना है आइंस्टाइन क्रॉस, जो हाल ही में देखी गई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। कुछ महीनों पहले आसमान में फूल की पंखुड़ी जैसी आकृति दिखाई दी। इस घटना को आइंस्टाइन क्रॉस कहा जाता है। यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी ने यह तस्वीर जारी की थी, जिसे वेरी लार्ज टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर किया गया था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ष 1915 में इस घटना का पूर्वानुमान लगाया था और इसे अपने सापेक्षता के सिद्धांत के जरिए समझाया था। इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर इसका नाम आइंस्टाइन क्रॉस रखा गया है। यह सुदूर आकाशगंगा के प्रकाश की ग्रेविटेशनल लेशिंग के कारण बनी एक संरचना है। जब किसी आकाशगंगा का प्रकाश किसी दूसरी आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो वह प्रकाश मुड़कर विकृत हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मुख्य आकाशगंगा की लाइट क्रॉस होकर फूल की पंखुड़ी जैसी आकृति बनाती है। यही आइंस्टाइन क्रॉस है। हमारी जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।